हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने शेजवान चटनी के एम्प्टी जार का यूज़ करते हुए ये देखिए सुंदर सा लैम्प बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये एम्प्टी जार है और ये स्प्रे बॉटल का कैप है और ये एक कार्डबोर्ड का रोल है जो कि मेरे जूट थ्रेड का है। जूट थ्रेड ख़त्म हो गया तो मैंने ये इसमें यूज़ कर लिया। फिर लाइट्स ली हैं मैंने जो मेरे दिवाली पर बच गई थी। अब मुझे इन सभी चीज़ों में होल करना है, सभी कैप्स में। इस कैप में किया और उस कैप में भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद इनको इस तरह से पेस्ट करना है। उससे पहले हमें एक कार्डबोर्ड का सर्कल ड्रॉ करना है और उसको कट करके इसके नीचे पेस्ट करना है और इसमें भी होल कर लेना है कुछ इस तरह से। अब हमें इस लाइट को इसके अंदर से इस तरह से इंसर्ट करना है। ये देखिए, और यहाँ पे सेलो टेप की हेल्प से इसको चिपका देना है अच्छी तरह से। फिर इसके अंदर से पूरी इस लाइट को इंसर्ट करना है। इसके बाद इस पे हॉट ग्लू की हेल्प से ये कार्डबोर्ड को इस कैप के ऊपर चिपका देना है कुछ इस तरह से। ये देखिए, शेजवान चटनी के कैप में से भी लाइट को इस तरह से इंसर्ट करने के बाद उसको कैप के ऊपर चिपका देना है कुछ इस तरह से। ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको चिपका दिया है। ये देखिए, ये एक स्टैंड की तरह हो गया। अब जो ये कार्डबोर्ड रोल था इसका मैंने यूज़ किया है, इसके अंदर से भी मैंने ये लाइट को इंसर्ट कर लिया और इसको ऐसे पेस्ट कर दिया इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद मैंने सेलो टेप की हेल्प से लाइट को स्टिक कर लिया है ताकि इधर उधर ना भागे। ये देखिए, अब इसको ऐसे रोल करते हुए इसको पूरा कवर करने के बाद इसको सेलो टेप से स्टिक कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने कवर कर लिया पूरा ऐसे रोल करते हुए। अब इसको सेलो टेप से स्टिक कर लिया। ये देखिए, अब ये बॉटल बंद कर दी मैंने। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसकी लास्ट फिनिशिंग बाकी है, उसके लिए मैंने यहाँ ये मेरे पास एक रोप पड़ी थी इसका यूज़ किया है। इस रोप को मैंने ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरह से पेस्ट कर दिया है इसको रोल करते हुए। ये देखिए, बहुत ही ईजी है। इस रोप से हमें इन कैप्स को कवर करना है ताकि ये हाइड हो जाएं अच्छी तरह से। ये देखिए, कैप्स पूरी तरह से कवर हो चुके हैं। अब हमें बनाना है होममेड प्राइमर, और जैसो भी बोल सकते हैं आप उसे। उसके लिए मैंने ये बेबी पाउडर लिया है, वाइट ग्लू लिया है और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करके अच्छा सा एक पेस्ट बना लेना है, थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है। ये देखिए, हमारा होममेड प्राइमर रेडी है। इसको अब रोप के ऊपर अप्लाई करना है। एक कोट अप्लाई करने के बाद इसको 4-5 घंटे सूखने दें, उसके बाद दूसरा कोट अप्लाई करें। दो कोट ज़रूरी ही यूज़ करें ताकि ये थोड़ा हैवी हो जाए नीचे से। ये देखिए, मैंने सुखाकर इसको रेडी कर लिया है। अब इसको लास्ट फिनिशिंग लुक देने के लिए मैंने वाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। बस कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ पेंट कर देना है। ये मैंने थर्माकोल का पीस लिया है, इसको इसके ऊपर रख के सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल को कट कर देना है। फिर उस सर्कल को हाफ सर्कल की शेप देनी है इस तरह से। देखिए, ये शेप होनी चाहिए। अब
अब इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। बिल्कुल भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये चटनी का खाली जार हमने यूज़ किया है। ये देखिए, अब इस पर मैंने ये रोप, जो जूट रोप होती है, उसको इस तरह से पेस्ट कर दिया है इसको फिनिशिंग लुक देने के लिए। ये देखिए, वाइट कलर से इसको पेंट कर दिया। ये देखिए, अब जो एक्स्ट्रा था कलर कहीं भी लगा था जार के ऊपर, वो सारा मैंने क्लीन कर दिया है। क्लीन नीचे वाला भी मैंने क्लीन कर दिया। ये देखिए हमारा लैंप बनकर एकदम तैयार है। अब इसकी लाइट्स ऑन करते हैं और देखते हैं ये कैसा लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये हमने शेजवान चटनी के एम्प्टी जार से ये लैंप बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।